राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे के साथ शुक्रवार ने दस्तक दे दी। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कपकपा देने वाली सर्दी रही, जिससे लोग परेशान रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रहेगी, इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में भी इस तरह की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। पंजाब और राजस्थान के अलग अलग इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। यदि अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य से 4.5 या 6.4 डिग्री के नीचे चला जाता है तो कोल्ड डे घोषित कर दिया जाता है। वहीं यदि मौसम के लिए तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो तो सीवियर कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान सहित उत्तर भारत के बड़े इलाकों में घना से भी बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। IMD के अनुसार पूर्वी राजस्थान और अलग अलग इलाकों में भी इससे प्रभावित रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जम्मू संभाग में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि गर्म और नम दक्षिण पश्चिम हवाओं के प्रभाव से रविवार के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो क्षेत्र में लगातार कम बादल छाए रहने और धूप कम निकलने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। दिल्ली के सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान 12 से 5.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।